हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि मोरेटोरियम मिलने के चांस पूरे पूरे कैसे हो गए हैं, क्या कारण है कि मोरेटोरियम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब लोग संगठित होते जा रहे हैं। हमारे देश की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनकी सारी कमेटी है, वो भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भी अपना पक्ष सरकार के पास भेज दिया है कि भाई कम से कम 31 मार्च 2021 तक तो मोरेटोरियम दिया ही जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ये भी लाखों की तादाद में हमारे देश में, और ऐसा कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा नहीं है सारे देश या सारी दुनिया की भी बात करें जो बिना लोन के चल रहा हो। सबके लोन है, सबका फैक्ट्री कारखाने लगभग बंद होने की कगार पे हैं, कहीं खुले भी हुए हैं तो लेबर नहीं मिल रही है, लेबर छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, लेबर को वही लॉकडाउन का डर है। पहली बात तो लग ही चुका है, लोग लेबर ये सोच रहे हैं कि कल को ये फैक्ट्री कारखाने ही बंद करेंगे, हम रोटी कहां से खाएंगे। वो अपने जा रहे हैं, हमारे यहां भी नमस्ते चौक पे मैं डेली देखता हूं बसें, डबल डेकर बसें पूरी फुल होकर जा रही हैं। सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग से चलना है, लोग 150, 200, 200 लद लद के जान लग रहे उसमें लेबर वाले, तो वो भी लॉबी इकट्ठी होती जा रही है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। इधर से सारे देश के बिल्डर भी इकट्ठे होने की स्कीम बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिक्कत परेशानी बहुत आ रही है, कोरोना की वजह से माल आगे भी नहीं रहा। इसके अलावा दिक्कत परेशानी कहाँ है, जो इंडिविजुअल ब्रोवर हैं, जो आम आदमियों ने, किसी ने मान लो कार जीप का लोन ले रखा है, किसी ने 2-4-5 लाख का पर्सनल लोन ले रखा है या बिजनेस लोन ले रखा है, उनकी कोई एकता नहीं है, उनकी कोई एक कमेटी नहीं है, उनका कोई एक प्रेसिडेंट नहीं है, उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनकी तरफ से मैं ये समझता हूं कि हमारे देश के जो बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं तिवारी साहब, वो तो समाल जो जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर रहे हैं। PIL मीन्स जनहित याचिका। अब पूरे पूरे चांस होते जा रहे हैं, क्योंकि लोबी इकट्ठी होने शुरू हो गई है, सरकार के ऊपर भी इससे दबाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है कि भाई जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। वो जो कितने आदमियों की मारेगी भाई साहब कोरोना, ये तो करोड़ों आदमी इन्होंने बैंक और NBFC कंपनी ने मार दिए हैं। इनसे इनको बचाने का सिर्फ और एक तरीका आज की डेट में कि इनको मोराटोरियम दे दिया जाए, फिर 10 रुपये ब्याज फालतू लिए चाहे 100 रुपये फालतू लिए। वैसे तो इसको सरकार को भरना चाहिए, लेकिन लोग आज टाइम के डेट में इतना ज्यादा मानसिक तनाव में है, वो ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं भाई 10 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा ले लिया भाई, लेकिन छूट दे दे भाई, इन 6 महीने की तो दे ही दे कम से कम यार, बल्कि 7 महीने की, इस साल तो किस्त मांगे ही ना। ये पूरे पूरे चांस क्या 100% चांस है अगले 1-2 महीने में आदेश आएंगे और सबको ही मिलेगा मोरेटोरियम। आप चिंता परेशानी में ना रहें, क्योंकि सारा देश आराम आराम से संगठित होता जा रहा है। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना दिया डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में शगुन कादियान डाल देगा, उसको देखे और लाइफ का मस्त मजा ले। अब हम चले हैं गोलगप्पे खाने, पानी पूरी खाने, यानी के पानी पतासे। नमस्कार।